चेन के नियम बीएससी सेकंड ईयर का स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट पार्ट है चेन के नियम सिलेक्शन रूल्स। ये नियम सम सिद्धांत ब्रैकेट में ग्रुप थ्योरी से व्युत्पन्न है और ये इस बात का निर्धारण करते हैं कि कौन कौन से संक्रमण होंगे और कौन से नहीं, कौन से कंपन आईआर स्पेक्ट्रम के लिए सक्रिय हैं और कौन से नहीं आदि। अनुमत एवं प्रतिबंधित संक्रमण अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। प्राभिग्नि क्षेत्र से विकिरणों के अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं जिससे पदार्थ का यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जो हमें पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी देता है। सममिति नियमों से कुछ संक्रमण आसानी से कंपन हो जाते हैं अतः इन्हें अनुमत संक्रमण अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, जबकि कुछ अन्य संक्रमण संपन्न नहीं होते हैं उन्हें प्रतिबंधित संक्रमण फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। उदाहरण 1S से 2S संक्रमण प्रतिबंधित हैं जबकि 1S से 2P संक्रमण अनुमत संक्रमण है। अनुमत संक्रमण और प्रतिबंधित संक्रमण, अनुमत संक्रमण है S से P, P से D कक्षक और अनुमत प्रतिबंधित संक्रमण है S से S कक्षक, P से P कक्षक, D से D कक्षक और S से D कक्षक। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। अणु विभिन्न प्रकार के कंपनों के कारण विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और इस प्रकार आईआर स्पेक्ट्रम में ये अवशोषण बैंड दर्शाते हैं, लेकिन ये तभी संपन्न है जब अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो। पदार्थ या द्रव्य तथा विकिरणों की अंतःक्रिया के क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार दो स्थायी अवस्थाओं m तथा n के मध्य ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन की संभावना निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। किसी अणु का संक्रमण होगा म्यू एन एम इजगल टू जहाँ एफ साइलन एम व एफ साइलन एन प्रत्येक के इलेक्ट्रॉनिक एवं नाभिकीय तरंग संख्या का गुणनफल, म्यू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, म्यू इजगल टू जीरो हो तो उनमें विकिरणों का संक्रमण शून्य होगा। ऐसे संक्रमण प्रतिबंधित संक्रमण कहलाते हैं और ऐसे अणु आईआर स्पेक्ट्रम में कोई सिग्नल नहीं देंगे। यही कारण है कि H2, N2, O2 आदि अणु आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देते। उपयुक्त के विपरीत यदि म्यू का कुछ मान हो अर्थात म्यू इज नॉट जीरो तब दोनों अवस्थाओं में संक्रमण होता है और विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ऐसे संक्रमणों को अनुमत संक्रमण कहते हैं। HCl, H2O, NO2 आदि स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणु जब कंपन करते हैं तो कंपनों के दौरान इनके द्विध्रुव आघूर्ण भी लगातार कंपन या दोलन करते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबा दिशा में कंपन या दोलन करते रहते हैं। जब इनकी आवृत्ति और द्विध्रुव दोलन की आवृत्ति एक दूसरे के एकदम समान हो जाती है तब अणु द्वारा विकिरणों का अवशोषण हो जाता है और आईआर स्पेक्ट्रम में उसका संकेत प्राप्त होता है। यही कारण है कि द्विध्रुव अणु आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सक्रिय अणु होते हैं। चेन नियमों की सहायता से किसी विकिरण के अवशोषण की आवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है।
आईआर बिंदुओं की तीव्रता एवं स्थिति, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ इंफ्रारेड बैंड्स। किसी यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम में किसी तीव्रता वाले बैंड किसी स्थान पर प्रदर्शित हो, ये यौगिक के आणविक संरचना पर निर्भर करता है। ऊपर हमने देखा कि कुछ मिलाकर दो प्रकार के कंपन होते हैं, तनन स्ट्रेचिंग व बंकन बेंडिंग। जो बंद अणुओं के मध्य स्थित होते हैं उनमें केवल तनन कंपन ही संभव है, और जो कंपन सिरों की ओर होते हैं उनमें तनन व बंकन यानी स्ट्रेचिंग व बेंडिंग दोनों प्रकार के कंपन संभव होते हैं। इन दोनों प्रकार के कंपनों में से कंपन कंपन के लिए बंकन कंपन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इन कंपनों में अणु आयर विकरणों के कम ऊर्जा अर्थात कम तरंग संख्या के क्षेत्र में से अवशोषण करते हैं, जबकि तनन कंपन का अवशोषण उस बंद की ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि त्रिबंद की ऊर्जा द्विबंद की ऊर्जा से अधिक होती है और एक द्विबंद की ऊर्जा एकलबंद की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः त्रिबंद के तनन कंपन के लिए उच्च ऊर्जा या उच्च तरंग संख्या का अवशोषण होना चाहिए, और वास्तव में ऐसा ही होता है। बंद का प्रकार, अवशोषण का क्षेत्र पर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इनका जो अवशोषण एब्जॉर्प्शन बैंड है 1300 से लेकर 800 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1900 से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड 2300 से लेकर 2000। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंद होने की संभावना होती है तो उन यौगिकों के अवशोषणों की आवृत्तियाँ प्रभावित होती हैं। हाइड्रोजन बंद बनने की संभावना उन यौगिकों में होती है जिनमें कोई प्रोटॉन दाता प्रोटॉन डोनर समूह XH तथा प्रोटॉन ग्राही प्रोटॉन एक्सेप्टर समूह Y विद्यमान हो, जिसका P अथवा पाई कक्षक प्रोटॉन के S कक्षक के साथ अतिव्यापन कर सके। ये तब होता है जब X तथा Y दोनों ही ऋण विद्युतीय तत्वों के परमाणु हो। कार्बनिक यौगिकों में सामान्यतया कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल एमिन एमाइड समूह प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करता है, जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हैलोजन परमाणु प्रोटॉन ग्राही के रूप में कार्य करते हैं। असंतृप्त एथिलीन अणु जैसे समूह भी प्रोटॉन ग्राही की भांति कार्य कर सकते हैं। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंद बन रहा हो तो प्रोटॉन दाता XH समूह के तनन कंपन के अवशोषण कम आवृत्ति अथवा अधिक तरंग देरी की ओर खिसक जाते हैं। इन अवशोषण बैंडों की तीव्रता अक्सर अधिक होती है और वह बैंड चौड़ी हो जाती हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन बंद युक्त यौगिकों में 3800 से 2700 सेंटीमीटर के क्षेत्र में एक चौड़ी अवशोषण बैंड प्राप्त होती है।